सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हमारे पास आई है भाई महिंद्रा की XUV700। तो भाई कुछ इस तरीके की इसकी की है, नॉर्मली लॉक अनलॉक और ये डिग्गी खोलने का। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये है भाई बेस मॉडल, क्या क्या हमने इसमें काम करवाया क्या नहीं उसकी वीडियो अलग आएगी, लेकिन ये है अभी फ़िलहाल एक रिव्यू की वीडियो, मतलब अंदर बाहर से कैसी है गाड़ी। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो भाई ये पड़ी थी हमें महिंद्रा XUV700 15.5 लाख की, और ये है बिल्कुल बेस वेरियंट। आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि हमने काम इस तरीके का करवाया हुआ है इसमें कि अगला देख के बंदा कहे कि हाँ भाई अच्छी लग रही गाड़ी। और भाई ये नहीं थी मतलब स्टॉक में, वो तो एक जानकारी थी वहाँ से लिखवा दी, और ये डेमो पीस होता वो था, हमने ये उठा लिया क्योंकि हमें चाहिए थे भाई ओनली महिंद्रा, क्योंकि भाई थोड़ा काम वाम होता है, उसमें स्पेस भी ज़्यादा है। तो भाई मैं बात करूँगा इसके फ्रंट से, तो आपको कुछ इस तरीके की आपको इसमें लाइट देखने को मिल जाती है, साथ जहाँ पे आप छोटी लाइट होगी पूरी DRL और ये मेन लाइट, यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, नीचे आपको नहीं मिलती क्योंकि मैंने जैसा बताया ये है बेस मॉडल। कुछ इस तरीके की आपको इसमें ग्रिल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे महिंद्रा का साइन, यहाँ पे आपको अगर कोई गाड़ी टोचन करने तो उसके लिए भी आता है, और आपको यहाँ पे दो वाइपर मिल जाते हैं, वाइपर ऑटोमेटिक्स है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके के अलॉय जो हमने कंपनी से लगवाए हैं, इसके अभी मैं बाद में रिव्यू करूँगा, और कुछ इस तरीके के आपको हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से आज ये मार्केट में इतनी बिक्री है, ईजीली ओपन। ये कुछ अलग ही है, मतलब इसमें तो ये आता है जो बेस मॉडल में, और जो इससे ऊपर मॉडल आता है उसमें ये भी नहीं खुलता है। और यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक, ये भाई मैं बता दूँ आपको ये 7 सीटर नहीं है, ये है 5 सीटर, क्योंकि मैंने बताया बेस मॉडल है तो कंपनी वालों ने इसमें पीछे की सीट नहीं दी, कुछ ऐसी दी है, वो भी मैं अंदर से दिखाऊंगा आप लोगों को। और मैं बात करूँ कुछ पीछे की, तो भाई पीछे से कुछ इस तरीके की इसकी गाड़ी की लुक आती है अपनी की। यहाँ पे आपको रिवर्स ब्रेक लाइट, ये भी आपको पूरा LED है, ब्रेकिंग लाइट यहाँ पे भी आपको ब्रेक लाइट डिफोगर, पीछे वाइपर नहीं है। और यहाँ पे आपको महिंद्रा XUV700 की बैचिंग, पीछे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, नीचे वो लाइट मिल जाती है, साथ ही साथ कुछ इस तरीके की आपको गाड़ी। अब मैं करूँ गाड़ी की अंदर से बात, तो भाई सिंपली इसको ऐसे दबाओ ओपन करो। तो पहले मैं अगर बात करूँ तो भाई बैठने के लिए मतलब चाहिए कम से कम भी 6-7 फुट हाइट, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख ही सकते हो, मतलब मेरे को बैठना पड़ रहा है तो मेरे को ऐसे जाके कहीं ऐसे, हालांकि इसमें वो चढ़ने के होते ना वो लगवा ले तो वो भी सही कहता है। तो भाई अगर मैं बात करूँ विंडो की, तो भाई विंडो सिंपली यहाँ पे आपको एक लोग जो नॉर्मल कार में आता है, कुछ हो सकता है टॉप मॉडल में आपको कुछ और थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाए, लेकिन हमें तो भाई इसमें यही मिला। साथ ही साथ यहाँ पे शीशे नहीं उतरेंगे, लॉक अनलॉक चारों शीशे यहाँ से उतार सकते हो, ये आपको मतलब ये मिरर सेट करने का। यहाँ पे आपको पानी की बोतल वोटल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, कुछ इस तरीके का बेस मॉडल में भाई मेरे को इतना कुछ मिल गया, वो भी बहुत है, सारी A to Z सारी बात बताऊँगा। यहाँ पे मेरे को क्रीम कलर का कुछ ये मिल जाती है, थोड़ी है हल्की हल्की बैचिंग सी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ यहाँ पे आ जाती है, स्क्रीन में ये भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इससे ऊपर मीटर में जो होती है ना, वो डिजिटल मैं दिखाता हूँ आपको भाई, जैसे ये है तो आप यहीं से ही आप कंट्रोल कर सकते हो इस बटन से, ये देखो सारे ये यहीं से ही हो जाता है। और कुछ मैं बात करूँ इसके इस लुक की, तो देखिए कुछ इस तरीके का हमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है। अगर हम ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हमें भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाई एक नंबर चीज़ लगी मेरे को ये, और यहाँ पे आपको लाइट वाइट, अगर हम इंडिकेटर देते कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है, और यहाँ पे आपको वाइपर्स के ये मिल जाते हैं, कुछ स्टेयरिंग इस तरीके का मिलता है भाई एक नंबर, ये मेरे को एक नंबर चीज़ लगी स्टेयरिंग छोटा सा, और गाड़ी मतलब ऐसे चलती है जैसे मक्खन ना वैसे चलती है। और ये आपको यहाँ पे आपको वॉल्यूम के वो सीख करने के लिए वो मिल जाते हैं, ये साथ ही साथ आप फ़ोन कनेक्ट करके
इस पर सब कुछ अपना यहीं से बातचीत कर सकते हो। कुछ इस तरीके का इतनी सी हमको स्क्रीन मिल जाती है, वो भी टच भाई, ये भी बहुत है बेस मॉडल मैं तो कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो एसी वेंट्स, यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके क्रीम कलर की बैचिंग, मतलब सॉफ्ट है ये भी, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, और कुछ इस तरीके के एसी वेंट्स, ये कोल्ड आउट के लिए वेंट्स, और यहाँ पे आपको ये स्क्रीन ऑफ करने के लिए मिल जाता है, साथ साथ ये होम का इंडिकेटर, सीट बेल्ट का, और ये यहाँ पे आपको 6 गियर देखने को मिल जाते हैं, रिवर्स गियर इसका ऐसे उठा के ऐसे लगाने का है, और ये कुछ इस तरीके का हैंड ब्रेक छोटा सा बिल्कुल, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे एक बोतल होल्डर, और यहाँ आपको इतना बड़ा आर्म रेस्ट, और भाई यहाँ तक कि ये सीट कवर भी कंपनी के चढ़े हुए हैं। यहाँ पे आप अपना पर्स रख सकते हो, साथ ही साथ उसको भी वहाँ उस साइड भी आपको बोतल वोटल रखने की जगह मिल जाती है, और यहाँ पे ये डैशबोर्ड खोलने का यहाँ से है, यहाँ पे भी इतनी सारी जगह है कोई इसमें रखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ पीछे की साइड की, मतलब पीछे से कैसा व्यू है क्या नहीं वो भी बताएंगे आपको, तो भाई मैं पीछे से बात करूँ, पीछे भी आपको यहाँ पे बोतल रखने के लिए स्पेस, मतलब स्पेस की तो गाड़ी में कमी है ही नहीं 1%। आगे भी आपको चार्जर होल्डर था, मैं बताना भूल गया ये कहा, और अब बात करें तो भाई आप देख सकते हो अगली सीट बहुत पीछे हो, ये भी बहुत पीछे हो, मैं कंफर्टेबली आराम से बैठा हूँ, ना ही मेरे सर यहाँ बैठ गया, यहाँ पे आपको एक हैंड पकड़ के बैठ सकते हो, सीट के पीछे भी यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे पीछे दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, सेम चीज़ एज वेल एज, मतलब आप देख सकते हो। तो भाई अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अब आप यहाँ से लुक देखो एक बार, मतलब कितना स्पेस है गाड़ी में, कितना देख रहे हो भाई, ये चीज़ भाई हमें चाहिए थी और हमें मिल गई, और बाकी भाई कुछ रह गया हो, और यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है आगे भी, और बाकी भाई कुछ रह गया हो तो भाई प्लीज़ माफ़ करना, बाकी भाई गाड़ी किसी लगी क्या क्या काम करवाया हमने, हमने इसमें वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और बाकी भाई आपको गाड़ी कैसी लगी तो वो भी बता देना, और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।